डिफरेंस बिटवीन स्टॉक वर्सेस इंडेक्सेस, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ टर्म्स यूज करूंगा, स्टॉक्स मतलब शेयर, ठीक है, कॉमनली यूज होता है, इंडाइसेस मतलब इंडेक्स। अगर हम इसे लिखने की टर्म में जाएंगे तो हमें इंडाइसेस ही लिखना पड़ेगा, इसकी स्पेलिंग बनती है INDICES, ठीक है। और अगर हम इसको बोलते हैं तो हम बोलते हैं इंडेक्स, INDEX, ठीक है। लेकिन अगर हम सर्च कर रहे हैं तो हमें इंडाइसेस सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। टेक्निकल टर्म में अगर हम बात करें तो दोनों ही बोले जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग इंडाइसेस बोलते हैं, कुछ लोग इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग स्टॉक बोलते हैं, कुछ लोग शेयर बोलते हैं, ठीक है, बात एक ही है। तो चलिए समझते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस को। इन्फिनिटी बाय शून्य स्पेशल फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन सीरीज में मेरे यानी केशव के साथ। सो इन दोनों के बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इंडेक्स में आते हैं निफ्टी और सेंसेक्स। जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं उन्होंने तो वो दोनों तो इनसे फैमिलियर हैं, जो लोग नहीं हैं उन लोगों ने भी इनके बारे में सुना होता है, ठीक है। निफ्टी जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है NSE को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, और सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है BSE को, ठीक है। सो अब इनको बनाने की क्या जरूरत पड़ी, ये निफ्टी कहाँ से आया, ये सेंसेक्स कहाँ से आया और क्यों आया, ये समझ लेते हैं। तो अगर मान लीजिए इस टाइम NSE पे 2000 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर हैं, अब मुझे अगर ये पता करना है कि आज हिंदुस्तान का बाजार कैसा रहा, मतलब आज हिंदुस्तान का बाजार बढ़त में रहा या गिरा है, तो वो मैं कैसे पता कर सकता हूँ। 2000 कंपनियों को चेक करना पड़ेगा कि 2000 कंपनियों में से 1000 कंपनियां बड़ी 1000 घटी, मतलब इक्वल रहा, ठीक है। अगर इसको ऐसे समझे कि 200 कंपनियां बढ़ी हैं और बाकी की 1800 गिर गई तो बाजार डाउन रहा, ऐसे पॉसिबल नहीं था इसको पता लगाना, इसलिए इनका आविष्कार किया गया निफ्टी का और सेंसेक्स का। निफ्टी में इसको आपने देखा होगा, इसके साथ लिखा होता है 50, निफ्टी 50, निफ्टी 50 का मतलब होता है निफ्टी की 50 हिंदुस्तान की NSE पर रजिस्टर्ड 50 बड़ी कंपनियां, जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उन टॉप 50 कंपनियों का एक ग्रुप बनाया, ठीक है, और यहां पर एक एवरेज प्राइस डिसाइड कर लिया। उसके अकॉर्डिंग अब उस एवरेज प्राइस में अगर बढ़त होती है तो हम बोलते हैं कि आज बाजार बढ़ा है, अगर उस एवरेज प्राइस में डाउन साइड आता है तो आज हम बोल देते हैं बाजार गिरा, ठीक है। उसी तरह सेंसेक्स में, सेंसेक्स के अंदर होती है 30 कंपनियां, एक 30 रजिस्टर्ड BSE पर 30 सबसे बड़ी कंपनियों का ग्रुप बना के सेंसेक्स नाम रखा। एक एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंग जैसे प्राइस बढ़ता है तो आज हम मान लेंगे कि हिंदुस्तान के बाजारों में तेजी हुई है, और अगर प्राइस गिरता है तो हम मान लेंगे कि आज हिंदुस्तान के बाजारों में गिरावट आई है, ठीक है। सो ये होते हैं इंडेक्स, ठीक है। इसके अलावा अदर इंडेक्सेस भी होते हैं, सेक्टोरियल इंडेक्स जिनको हम कहते हैं, वो कौन से होते हैं, बैंक निफ्टी जिसमें आते हैं बैंक, निफ्टी IT उसमें आएंगे सारे IT स्टॉक्स, ठीक है, निफ्टी फार्मा उसमें सारी फार्मा कंपनियां, निफ्टी FMCG सारे FMCG प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे सेक्टोरियल इंडेक्स हैं। ये निफ्टी 50 जो है ये सबसे टॉप का इंडेक्स है, इसमें हिंदुस्तान की टॉप 50 कंपनियां चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो वो इसके अंदर आती हैं, ठीक है। निफ्टी बैंक में सिर्फ बैंकिंग के शेयर देखने को मिलेंगे, निफ्टी फार्मा में सिर्फ फार्मा कंपनियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो सेम सेंसेक्स में भी अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही निफ्टी 50 के बाद होता है नेक्स्ट 50, मतलब 50 के बाद जो अगली 50 कंपनियां हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आएगी, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, ऐसे अलग अलग इंडेक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। ये हो गया सारी लार्ज कैप कंपनियां, अब आती है मिड कैप कंपनियां, मतलब मध्यम कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो बीच का है, वो कैसी आएंगी, वो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में आती हैं। फिर आती है छोटी कंपनियां निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में, और फिर आती है बहुत ही छोटी कंपनियां निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स में। सो ऐसे अलग अलग इंडेक्सेस बना के बाजार को अलग अलग तरह से हम वॉच कर सकते हैं। अगर मैंने देखना है बैंकिंग स्टॉक्स में आज तेजी रही है या मंदी, तो मैं सिर्फ निफ्टी बैंक देख के ही पता लगा सकता हूँ। IT स्टॉक्स का मैं निफ्टी IT देख के पता लगा सकता हूँ। अगर मैंने पूरे बाजार को देखना है तो मैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स को देख सकता हूँ, ठीक है। ये तो थे इंडेक्सेस। अब शेयर्स क्या होते हैं, जितनी भी कंपनियां हैं
चाहे वो रिलायंस है, आईटीसी है, टाटा मोटर, टाटा स्टील, उसके बाद इन्फोसिस, टीसीएस, जो भी कंपनियां हम मार्केट में देख रहे हैं वो सारे क्या है, स्टॉक्स हैं, शेयर्स। ठीक है, सो ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, स्टॉक्स का और इंडेक्स के बीच का डिफरेंस। वीडियो अच्छा लगाओ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.